परिवार के लिए न भूलूंगा तुम्हारा ये बलिदान, इस परिवार के लिए न भूलूंगा तुम्हारा ये बलिदान। सूरज चंदा देके कर दी हो मुझ पर उपकार, स्वर्ग से सुंदर है अपना ये संसार, स्वर्ग से सुंदर है अपना ये संसार। क्या हुआ जी, थक गए हैं? तुम लोगों को जब देखता हूँ ना तो हमारे शरीर और जिंदगी की सारी थकान मिट जाती है। अब तो केवल दो सपना है मेरा। वो क्या? मैं तुमको बहुत प्यार दूँ, बहुत प्यार दूँ, इतना खुशी दूँगी। अपने पति पर फख्र करो, नाज करो, और दूसरा अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना दो कि समाज में खड़े होकर शान से कहे कि देखिए मेरे बाबूजी कितने अच्छे हैं, गर्व करेंगे मुझ पर। जानते हैं, मेरी भी भगवान से बस एक ही प्रार्थना है कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं हर कदम पे आपका साथ दे सकूं। एक तो आपने हमारा साथ नहीं दिया। कैसा साथ? दो गुड्डा मुझे दे दी, एक परी देने का वादा था, भूल गई। धार? धार? सुनो, देखो देखो, नहीं, पूरा चांद निकला है, सीमा पे नहीं छोड़ना चाहिए, फतह हासिल करना जरूरी है। अरे छोड़ दो, अरे अरे बचाओ, चलो, अरे अरे वो जा रहे हैं, भागो, ये देखो भाग रहे हैं, अरे पकड़ो उनको, अरे वो जा रहे हैं, पकड़ो, चलो, अरे पकड़ो, पकड़ो उन्हें, पकड़ो, चलो 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 जल्दी। अरे यार, भागते भागते शाम हो गई, अब पेट पानी का क्या होगा? अरे उसका भी इंतजाम हो जाएगा। देख भुजंगी, वो देख, आओ आओ, चलो 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 चलो। आज तो मैं तुमको ऐसा चमका दूंगा रानी कि आज तुम एकदम मेरी दुल्हनिया की तरह लगोगी। अच्छा, तो अब मैं ट्रैक्टर हो गई हूँ? अरे नहीं रानी, देखो वो क्या है कि तुम तो कभी गुस्सा नहीं होती, हाँ ना ही लड़ाई करती हो, कितनी अच्छी हो, और ये जब बिगड़ जाता है ना तो इसको धक्का देके स्टार्ट करते हैं जाफा के लिए। नमस्ते भैया, नमस्ते भैया, नमस्ते, नमस्ते, नमस्कार भैया। भैया वो क्या बात है कि हम लोग मुसाफिर हैं भाई, हाँ हाँ, मेरे साथी की तबीयत बहुत खराब है। क्या हो गया है? बुखार हो गया है, चला नहीं जा रहा,
शाम भी हो गई है, आसपास कोई धर्मशाला हो तो बताइए। धर्मशाला? धर्मशाला तो यहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर दूर है। अरे बाप रे! चिंता मत करिए, कोई बात नहीं। ऐसा कीजिए कि तबीयत ठीक नहीं है तो आज रात मेरे घर रुक जाइए। नहीं नहीं भाई, आपके घर? अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो भाई, तकलीफ होगी आपको। अतिथि देवो भवा, आप लोग मेहमान हैं। सुनो, ए गायत्री। जी? गायत्री जी, ये भाई लोग आए हैं। ये बीच वाले भाई की तबीयत ठीक नहीं है, इनको बुखार है। आप कहाँ धर्मशाला जाएंगे, रात होने वाली है, यहीं रुक जाएंगे। इनके खाने पीने की व्यवस्था कर दो। जी ठीक है। आइए आइए। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे गायत्री, और चावल? जी ला रही हूँ भैया, खाइए। अरे तुम क्या क्या दिख रहे हो, खाओ ना। वाह, मजा आ गया, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है। हाँ भाई, जी भर खाने का मन कर रहा है। अरे तक खाइए खाइए, जी भर के खाइए भाई। अरे तो मेरी पत्नी है भाई, इनके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि खा खा के मैं भी कितना मोटा हो गया हूँ क्या। वो तो दिख रहा है भाई। लेकिन एक बात बताइए, इतनी सुनसान जगह पे अकेले परिवार के साथ रहने में डर नहीं लगता है क्या, कहीं कुछ हो जाए तो? किसान जिंदगी के लिए फसल उगाता है, लेकिन अपनी आन पर उसको काट भी देता है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, बहुत शरीफ आदमी है, मार काट की बात सुनकर डर जाता है। अरे क्या भाई, जो डर जाता है वो मर जाता है, जीता है वही जो लड़ता है। स्वर्ग से सुंदर है अपना संसार, स्वर्ग से सुंदर है अपना ये संसार। अच्छा तो आप लोग उठ गए, मैं अभी आप लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था करती हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये बताइए, किसान भैया कहाँ हैं? जी वो तो खेत पर गए हैं। ये तो अच्छा मौका है। हाँ? क्या मतलब? मतलब ये कि वो गया है खेत पर तो हम लोग चला जाए बिस्तर पे। ज़बान संभाल के बात करो वरना। गुस्सा मत, हमारे पास बहुत पैसे हैं और तुम्हारे पास जवानी। छोड़ बदतमीज, छोड़ दे, छोड़ दो। लो, सॉरी, संभालो मत, खोलो। आगे मत बढ़ना वरना ऐसे काट डालूंगी कि मन से नामत बना दूंगी। किसान की पत्नी हूँ मैं, आगे मत बढ़ना। आओ, आओ। अरे हाथ, हाथ, हाथ। अजय, अजय, भैया ये तो भाग, भाग अजय, भाग। ए, रुको, पैसों का बैग अंदर रह गया है, लेकर आओ। लेके आते हैं बैग। भाग, अरे रुक, भाग अजय, अजय के बाबूजी, अजय के बाबूजी। अजय के बाबूजी।
आगे मत बढ़ना, मैं कह रही हूँ आगे मत बढ़ना। अजय, कहा था ना कि किसान जिंदगी के लिए फसल उगाता है, लेकिन अपनी आन पर उसे काट ही देता है। आज तुम लोगों को ऐसे काटूंगा कि इंसान क्या, भगवान भी नहीं पहचान सकेंगे तुम लोगों को। सबसे नहीं, भागो भागो गायत्री, भाग जाओ गायत्री। अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। Ha 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 ha
कह रहा था इतना मारूंगा कि भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। तुम जाओ भगवान के पास। गुंडे लोग हैं, एक बच्चे को किडनैप करके अंदर घुसे हुए हैं। कुछ गुंडे, बच्चा किडनैप, ये क्या हो रहा है सर? सर बता सकते इतनी पुलिस क्या कर रही थी? सो रही थी। सुनिए आप लोग, पुलिस सो रही है लेकिन जनता की नींद उड़ गई है। शहर में गुंडे तबाही मचा रहे हैं, फिर भी प्रशासन को कोई परवाह नहीं है। अगर आज इस बच्चे को कुछ हो गया तो उसके माँ बाप की क्या हालत होगी? जवाब देने से प्रशासन का इनकार।
ए हीरो, ये कोई खेल का मैदान नहीं है, गोली लग जाएगी तो जान चली जाएगी। क्या पोजीशन है? अंदर से लगातार फायरिंग हो रही है, सामना करना मुश्किल हो रहा है। उधर। अच्छा, पोजीशन लो। ओके। मुंह बंद रख, रो मत, चुप, वरना जान से मार दूंगा। कौन है रे? चलो बेटा। क्यों रे सानी, होशियारी, अभी उसके साथ तुझे भी ठोक दूंगा। मुझसे साठ पट्टी। हाँ भाई, मेरी बात तो सुनो। चल हाथ ऊपर तो कर। मैं आया था कि तुम क्या बेटा, डर तो नहीं लगा ना? नहीं अंकल, मेरा बच्चा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं बहन जी, ले जाइए मेरा बच्चा। चल चल बेटा। आपने अपनी जान की बाजी लगाकर इस बच्चे को बचाया, क्या आपको अपनी मौत का डर नहीं लगता? जिसके हर सांस अपनी माँ की दुआ से होती है, वो बेटा मौत से नहीं, मौत उस बेटे से डरती है। राइट? बाय बाय। अरे बाप रे, कलेजे में छेद कर दिया तुमने। अरे हो गई हंगामा,
कर दी तुम मेरा जामा लामा। अरे मामा, हमेशा की तरह ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर फिर एक लाइन। अरे एक लाइन लेके मैं क्या करूँ चाटू? हाँ चाटो मत मामा जी, बांटो बांटो। बांटू? हाँ, टाइटल मैं दूंगी, कहानी आप बनाइए, टीवी पर चलाइए, पेपर में छापिए, पब्लिक में बांटिए। लेकिन मामा जी इस बार तो होगा हंगामा। अरे हुआ क्या? प्यार प्यार हुआ मामा जी, प्यार हुआ। किसको हुआ? यही तो पता करना है कि उसको हुआ कि नहीं, तभी तो बनेगा हंगामेदार न्यूज और पब्लिक के होंगे व्यूज। अरे अजीब लड़की हो, बक बक करके जवाब के बजाय सवाल पे सवाल तागे जा रही हो। अरे मार्केट में गई थी, वहाँ क्या हुआ कुछ बताओगी? अरे अब क्या हुआ? मामा जी आप एडिटर हैं कि फर्नीचर? अरे इतने देर से मैं बक रही हूँ कि हो गया हंगामा। गुंडा सब जीरो, पुलिस सब हीरो, हीरो पे आशा फिदा। समझ गए? समझ गया। अच्छा तो अब मैं जा रही हूँ अपने हीरो को ढूंढने। भगवान आपके आशीर्वाद से मेरा एक बेटा पुलिस अफसर बन गया और आज दूसरे बेटे का रिजल्ट आने वाला है। आशीर्वाद दीजिए कि वो अपने भाई की तरह पढ़ लिख कर अपने पैर पे खड़ा हो जाए, ताकि उसके बाबूजी की तमन्ना और मेरी तपस्या पूरी हो जाए। आशीर्वाद दीजिए भगवान कि मेरा विजय पास हो जाए। आशीर्वाद दीजिए। माँ, विजय। अरे माँ माँ माँ, मेरी अरे प्यारी माँ। बस बेटा बस, अरे बस बस, मेरे बेटे की खुशी बता रही है कि मेरा बेटा पास हो गया है। अरे नहीं माँ, मैं तो फेल हो गया। क्या तुम फेल? अरे हाँ माँ, मैं तुम्हारा वो लायक बेटा हूँ जो फेल होकर भी खुश हो रहा है। अरे बेशरम बेहया, तू फेल हो क्या रहा है और ये कहने में तुझे जरा भी लाज नहीं आई? रुक, अरे मैं आज तेरी खबर लेती हूँ, रुक। बेशरम, आज न मैं तुझे पढ़ाने के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तेरा भाई दिन रात मर रहा है और तू फेल हो क्या रहा है और ये कहने में शर्म भी नहीं आ रही तुझे? हाँ, और दांत दिखा रहा है। अरे माँ, बेशरम, मारो माँ, मारो माँ। अरे माँ, अरे माँ, रुक जाओ, तुम झाड़ू से क्यों इसे मार रही हो? पूछ पूछ इससे, ये फेल होकर आया है। क्या क्या रे, तू फेल हो गया? हाँ, और बेशरम की तरह बोल रहा है कि फेल हो गया हूँ। अरे माँ, अरे माँ, ये ले, मारो मारो और मारो, अरे मारूंगी कि तुझे, मारो मारो इसे। क्यों रे, कैसा भाई है तू, छोटे भाई को बचाने के बजाय मारने को कह रहा है? ये ले, अरे मुझे भी नहीं छोड़ूंगी। अरे मारो 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 मारो, अरे मेरी प्यारी माँ, थक जाओगी मेरी बेवकूफ माँ। कभी सुनी हो क्या कि चोर चोरी करके कहता है कि ए भाई मैंने चोरी किया है। इसका चेहरा देखो, चेहरा देखो इसका, विजय पास हो गया है माँ। ये पास हो गया है, पास, तो पास हो गया। माँ, वो क्या है ना माँ, बिना तुम्हारे हाथ से मार खाए मेरे शरीर का दर्द नहीं जाता, देखो ना माँ, अब एकदम ठीक हो गया हूँ। बदमाश, ये पास हो गया, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम लोग रुको, मैं अभी तुम दोनों का मुंह मीठा करने के लिए मिठाई लेकर आती हूँ। हाँ, मोतीचूर के लड्डू ले आओ माँ, एकदम बड़ा बड़ा। मेरा बेटा पास हो गया, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। भैया चलिए माल निकालिए। माल? माल क्या रे? अरे भैया मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुआ हूँ, लुटाने के लिए चाहिए कि नहीं? समझ गए, कौन कौन भाषा आजकल चल रही है, माल। चलिए जल्दी जल्दी, 500 रुपए दूंगा। 500? अरे 500 से क्या होगा आज के जमाने में? मैं नहीं जानता हूँ बाबू, 500 रुपया मिलेगा उससे ज्यादा? भैया भैया, ए पकड़, मारेंगे रे पकड़ा, बहुत बिगड़ गया ये। छुट्टा वापस ले आना। अजय तेरे लाड़ प्यार से ये बिगड़ गया है। अरे माँ,
बाबूजी तो नहीं है, तुम्हारे और मेरे अलावा इसकी जिंदगी में और कौन है? हा? चलो पहले मुंह मीठा करो, पहले तू ले। अपने दिमाग की बत्ती खोल और अक्ल की गोली डाल। जब बहन और जीजा प्यार करते हैं तब भाई फूल बरसाता है।
और तू साला। ए चुप! मैं भाई वाई नहीं हूं, बल्कि ज्योति मेरी होने वाली बीवी है। बीवी? हा? क्या अगर ज्योति से दोबारा मिले तो तुम्हारे दिमाग की बत्ती बुझा दूंगा। क्या? तुम्हारे दिमाग की बत्ती बुझा दूंगा। ओ बेवकूफ, प्यार दिमाग से नहीं दिल से होता है। चल दिल पे गोली मार। मार मार, दबा घोड़ा, दबा दबा, मार ना, मार। रुक क्यों गया, जल्दी मार, चल मार 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 मार, मार ना मार। छूट गया पसीना। प्यार करने के लिए और गोली चलाने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। और जिगर माँ के दूध से बनता है, बाजारों दूध से नहीं। आइटम है यार। अरे आइटम नहीं, एटम बम है। भड़क गई ना तो समझ लेना, अरे भुजंगी बुढ़ावती में जवानी की आग लगा देगी। अगर ये तड़क गई ना तो बहुत मजा आएगा। फ्रेंड के साथ साथ बैग भी अच्छा है। अरे यार तुम भी? तुम भी क्या? चाचा जी, चाचा जी बोल बेटा। चाचा जी ऊ क्या कर रहा, बोल बेटा। चाचा जी वो ज्योति। ज्योति? बाबूजी। वो देखो आ भी गई, आ जाओ बेटी। बाबूजी, बाबूजी। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ बाबूजी। कल मेरे कॉलेज की फीस भरनी है, पैसे चाहिए। पैसा चाहिए? हाँ बाबूजी। अलमारी में बहुत पैसा है, जितना चाहिए निकाल लो। थैंक्स बाबूजी। और बाबूजी ये सब ज्यादा नहीं। नहीं 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 नहीं, ये तो आज ही से छोड़ दिया। प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा। मेरे प्यारे बाबूजी। बाय बेटा। बाय। यार गजेंद्र, ज्योति बिटिया तो बहुत बड़ी हो गई है। क्या मतलब? मतलब ये वादा याद है कि नहीं? बैठो बैठो। याद है, अच्छी तरह से याद है। अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करूंगा और इसको अपना दामाद बनाऊंगा। अब तुम बेटा यहाँ क्यों बैठे हो? ज्योति के पास जाओ, दोस्ती बढ़ाओ, दोस्ती बढ़ेगी तो प्यार बढ़ेगा। हाँ जी, जाओ जाओ। चीयर्स। भुजंगी, वो दारू के भट्टी का काम कब शुरू होगा? शुरू क्या, घंटा होगा। वो वजीरा हम लोग के जमीन पर सांप जैसे कुंडली मार के बैठा हुआ है, वो उठेगा तब तो काम शुरू होगा। उठेगा, जरूर उठेगा। एक मसीहा है जो उसको उठाएगा। अरे कौन उठाएगा? बाबा खान। बाबा खान, तू मरवाओगे, हम सबको मरवाओगे। अरे वजीरा उठे या ना उठे, हम सब जरूर उठ जाएंगे। याद है वो जमीन हम लोगों ने एक विधवा औरत से जबरदस्ती हड़पे थे, और बाबा खान सच्चाई पर लड़ने वाला एक शेर है। शेर, हम सब भी मगरमच्छ हैं। घड़ियाली आंसू बहाकर शरीफ और इज्जतदार आदमी बनकर घूम रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को पता चला कि हम सब क्या थे? भुजंगी, पता करो कि बाबा खान कहां मिलेगा। खान बाबा, ये लोग आपसे मिलने आए हैं। खुदा के नाम के बाबा गुलाम, हक पे कुर्बान, बाबा खान, आदाब। आदाब। माशाल्लाह, क्या बात है। खान बाबा, आप हकदार को हक दिलाने वाले और असहाय की मदद करने वाले मसीहा हैं। मसीहा तो वो हैं।
मैं तो इंसान हूँ, क्या समस्या है? समस्या जमीन की है, हम अपनी जमीन पर हॉस्पिटल बनाकर समाज की सेवा करना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है। पर वजीरा, वजीरा हम लोग के जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठा हुआ है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है खान बाबा, अपने दोस्तों की कसम। वो वजीरा उस जमीन पर दारू का अड्डा बना के जनता को गुमराह कर रहा है खान बाबा, बर्बाद कर रहा है। खान के रहते ये नहीं हो सकता, वहां बर्बादी नहीं आबादी होगी। हट! कौन है रे? बाबा खान, खुदा के नाम के बाबा गुलाम, हक पे कुर्बान बाबा खान, आदाब वजीरा। आ गए दरोगा पहरेदारी करने। खान चल निकल ले, नहीं तो जिंदा काटूंगा, जिंदा। हमको माफ कर दो खान, हमको माफ कर दो। चल निकल यहां से। शुक्रिया खान साहब, इस नाचीज की तरफ से छोटा सा नजराना। खान को दौलत नहीं दुआ चाहिए। शुक्रिया। Oh,
सब नहीं चाहिए तो रखिए। क्या ताजी सब्जी है बाहर है बैगन। अरे क्या ताजी सब्जी। सुनने में आ रहा है कि सब्जी का साइज बढ़ाने के लिए जहरीली सुई सब्जी में लगाई जा रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? अरे क्या कहूँगा मैं, एमएम साहब, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ। ये सब जो उपजाता है ना किसान भाई, ये तो वही बताएगा ना, मुझसे क्या पूछ रही हो। किसान जिंदगी देने के लिए फसल उगाता है, लेने के लिए नहीं। ऐसा काम करने वाला किसान नहीं लालच का ठेकेदार होता है। ठीक है माँ जी। और आपकी सब्जी का झोला तैयार है, ये लो माँ जी। कितने पैसे हुए? नहीं नहीं माँ जी, मुझसे ये पाप मत करवाइए, क्योंकि ये दुकान, मेरा घर परिवार इंस्पेक्टर अजय बाबू की मेहरबानी से चल रहा है। जैसे आप उनकी माँ। अजय बाबू की माँ? आदर करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ही बांटोगे तो परिवार कैसे चलाओगे। ये लो ये पैसे रखो। आशा, माँ को पटा लो तो बेटा अंदर। माँ, अरे रे, इसे पकड़ो, मैं अभी आती हूँ। माँ जी, माँ जी, रुकिए, रुकिए, रुकिए माँ जी। क्या बात है? ये झोला मुझे दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी सेवा से ही मुझको मेवा मिलेगा। चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। तुम कौन हो बेटी? मैं आशा हूँ माजी, रिपोर्टर। अच्छा। आज से आपका सब काम मैं करूँगी। क्यों? ताकि मैं आपको अच्छी लगूँ। आपको अच्छी लगूंगी तो हम लोगों में बातचीत होगी तो बात आगे बढ़ेगी, बात आगे बढ़ेगी तो बात खुलेगी, बात खुलेगी तो मामला पटेगा माजी। माजी? हाँ। माजी? क्या हुआ माजी? माजी क्या हुआ? माँ, अरे माँ, माँ क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट नहीं लगी, थोड़ा सा चक्कर आ गया था, लेकिन मैंने संभाल लिया माजी को। माँ, चक्कर आ गया? हाँ बेटा, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर साहेब, चिंता की कोई बात नहीं है, डॉक्टर साहेब सब देख चुके हैं। हेलो डॉक्टर, हाय। माँ की तबीयत क्या है? कोई खास बात नहीं है, बुढ़ापे में कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया। अरे यही तो मैं कह रही हूँ कि चिंता की कोई बात नहीं है। मतलब ये ठीक तो रहेंगे ना? अरे आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। क्या बात, तुम भी कैसे लेके जा सकता हूँ घर इनको? हाँ हाँ बिल्कुल, घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है, आप इनको घर ले जा सकते हैं। जी हाँ। और ये दवा मैं लिख कर दे रही हूँ, ये ले आइए और समय से देते रहना, ठीक है? थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। ए विजय, तुम दवाई लेके आओ, मैं माँ को घर लेके जाता हूँ। हाँ भैया। चलो चलो। अरे तुम ना माँ, मुझे तो डरा है। अरे चप्पल पहनो, तू तो चप्पल पहनो। माँ संभाल के, माँ संभाल के, संभाल के, हम तो डर ही गए थे। अरे माँ, ए जल्दी दवा ले आना। हाँ भैया ले आऊंगा। व्हाट नॉनसेंस, आजकल तो भलाई का कोई जमाना ही नहीं है, कोई मुझको भी तो पूछे। यहाँ कोई पूछता नहीं, पूछवाना पड़ता है। 2020 का जमाना आ गया है, फटाफट खेल लो मैडम, नहीं तो देख लो ये दर्शकों के पास भी देखने का समय नहीं है। क्यों भाई, सही कहा ना? आग ही आग, अरे क्या मतलब हुआ इसका? दिल में आग लगी है मामा जी, दिल में। किसके दिल में और किसने लगाया?
अब ये मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है मामा जी, तो आपको क्या बताऊं? अब ये आग एक तरफा लगी है कि दो तरफा? पर धुआं उठ रहा है मामा जी, धुआं उठ रहा है। अगर आग ने लपेटा पकड़ लिया तो समझ लेना फिर आग ही आग, आग ही आग। हाय। नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ? वो दरअसल मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। मेरी माँ को सही समय पर हॉस्पिटल पहुँचाया और अपनी माँ की तबीयत खराब देखकर मैं घबरा गया। मैं आपको धन्यवाद नहीं बोल पाया और इसीलिए। ये तो मेरा फर्ज था। ये पर्स लगता है झोला में छूट गया था। ये तो मैं जानबूझकर, ताकि आप तक। मतलब माँ जी को हॉस्पिटल ले जाते समय पर्स भी रख दिया। थैंक यू। ये मेरे मामा जी हैं। अच्छा, इंस्पेक्टर अजय। मैं जा रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते। अरे बेटी, हुआ क्या? अरे आशा, आग के बारे में बताती तो जाओ। मामा जी, यही तो वो है जिससे दिल में आग भड़क गई है। मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे रुकिए रुकिए रुकिए। क्या हुआ? लोग ठीक ही कहते हैं, पुलिस वाले के सीने में दिल नहीं होता है। क्या मतलब? अरे मतलब क्या, किसी लड़की का शुक्रिया अदा थोड़ा रोमांटिक ढंग से करना चाहिए ना। पर आप तो बस शुक्रिया बोल के ड्यूटी की घंटी बजा दिए, जैसे किसी जूनियर को ऑर्डर दे रहे हो। अरे घर पर तो बुलाइए, खाना वाना खिलाइए, नहीं तो कम से कम चाय वाय तो पूछिए ना, तभी तो कुछ बातचीत होगी। सुनिए, रेस्टोरेंट पास में है, चलिए ना। हाँ, चलिए चले। अरे यस, बैठिए। तीर ठीक निशाने पर लग गया है। पता नहीं क्या सोच रही है। क्या लोगी? बेटा। जी सर। दो कप स्पेशल चाय अदरक डाल। ठीक है सर। सब लोग देख रहे हैं, यहाँ रेस्टोरेंट में बैठी हो, क्या बात है बोलो। साहिब देखिए, मेरी माँ ने बहुत अच्छा नाम रखा है मेरा, अजय सिंह। मुझे साहिब बोलना पसंद है साहिब। बात ये है कि। क्या बात है? बात। जी चाय। धन्यवाद, सही समय पर आए हो। अब खड़े क्या हो, जाओ यहाँ से। साहिब। मामला बहुत सीरियस है। क्या बात है? अब ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, मेन पॉइंट पर आती हूँ साहिब। हाँ बोलिए साहिब। क्या है कि मुझे ना आपसे प्यार हो गया है। बोल दिया। आपको मुझसे प्यार हुआ है कि नहीं? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। माँ से पूछ के बताऊंगा। अच्छा माँ,
बीच में माँ, पता नहीं सुहागरात में कौन आएगा। ये बिल, ये आएगा जाओ यहाँ से। अगर ये मुझसे प्यार करते होंगे तो पलटेंगे जरूर। देखो ज्योति, विजय अच्छा लड़का नहीं है और तुम्हारा उसके साथ ज्यादा घूमना फिरना चाचा जी को पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे? और तू गुलाब छोड़ के ये कांटे के साथ कैसे घूमने लगे? कांटा किसको बोला रे? तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुमको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा आओ आओ ना, आके अपनी बहन को गले लगा ले। विजय से पंगा मत लेना, नहीं तो नंगा कर दूंगा नंगा। आज चिपकाया है, दोबारा ज्योति को छुआ ना तो ऊपर पहुंचा दूंगा। चलो। तिवारी जी, इस फाइल को जी सर टाइप करा के एसपी साहब के ऑफिस पहुंचवा दो। ठीक है सर। ठीक है। मे आई कम इन सर? या ये यहाँ कैसे? आप यहाँ कैसे आए? जहाँ प्रशासन वहाँ पत्रकार का आसन, दोनों में बहुत गहरा संबंध है। कहिए क्या बात है, बोलिए। बात वो तो आप बताएंगे ना। क्या बात है, देखिए थाने का समय वेस्ट मत कीजिए, कहिए बात क्या है। अरे वो तो आपको कहना है। हम कुछ साहब, क्या लगता है इनका कोई प्राइवेट कंप्लेन है? अरे तिवारी जी। ए बुढ़ाओ, जब चढ़ जाएगा काटा तो नहीं बनेगा पाठा। देख नहीं रहे हो कि दो जवान लोग बात कर रहे हैं? चलो जाओ यहाँ से। साहब ये बहुत डेंजरस है। हाँ? जरा संभाल के, कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत फोन कर दीजिएगा। आउट, गेट आउट, गेट आउट। इसके चक्कर में कहीं नौकरी से हाथ न धो बैठो। साहब देखिए ये थाना है, क्या क्या करें? बता दीजिए ना। क्या? वही हमारे प्यार वाली बात, माजी से पूछा कि नहीं। देखिए आशा, ये क्या, अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे देखो तुम, सुनिए मंत्री जी आ रहे हैं और हमें उन्हें। ओके, आई वांट माय आंसर राइट नाउ, टेल मी नाउ यू लव मी और नॉट। हाँ मैं एक मिनट आशा, एक मैं आ रहा हूँ आशा। सुनिए सुनिए, छू के बाहों में कसलो, यौवन का रस तुम
रस में भिगो के देखूं यौवन के रस में भिगो के देखूं ना मैं तुम राजी तो क्या करेगा काजी प्यार के सफर में तू ही मेरा सिर्फ साथी ए मैं तुम राजी तो क्या करेगा काजी प्यार के सफर में तू सिर्फ मेरा साथी लाजे शर्म तू अब तो छोड़ो ना लाजे शर्म तू अब तो छोड़ो ना जितना लगा हाँ गरम ही छोड़ूंगा तुम्हें हाँ? शांत नहीं करूंगा हाँ बढ़िया ही आज तो भाग गए कल अटका दूंगी हाँ। फटाफट खा के भाग विजय ये क्या भाई अभी आए नहीं हो तो अकेले शुरू हो गया अरे माँ खाने दो ना उसको उसको कॉलेज जाना है लाओ 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 अब ऐसा कई दिनों से देख रही हूँ कि इसे घर से भागने की बहुत जल्दी रहती है क्यों रे किसी लड़की वड़की के साथ कोई चक्कर तो नहीं है ना माँ अभी तो शुरू हुआ है क्या और तू माँ रिजल्ट निकलने के बाद कॉलेज में पढ़ाई अभी शुरू हुई है और देखो अगर किसी लड़की से मेरा लफड़ा हो गया ना तो तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा छुपाऊंगा नहीं बेशरम अपने भाई को देख कलयुग का राम है राम आज तक किसी लड़की को आंख उठा के भी नहीं देखा और तू सही कह रही है माजी लो आ गई सीता ये यहाँ कैसे आ गई ये साहब तो आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखे इसी से तो लड़की को ही देखना पड़ रहा है बेटी तुम यहाँ हाँ माजी मैं आपसे मिलने आई हूँ लो कौशल्या माँ अरे ये क्या कर रही हो ये झूठा है माजी कल को तो ये सब मुझे ही करना है ना तो आज से ही क्यों ना करूं अब ये तुम क्या कह रही हो हमें क्या साहेब अभी तक आपने माजी से पूछा नहीं क्या 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 पूछूं क्या 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 पूछूं मैं बताता हूँ माँ चुप रह मारेंगे भैया ये सब क्या है ठीक है मैं ही बता देती हूँ पड़ाका माजी हाँ? आपके इस साहेब से मुझे प्यार हो गया हे क्या हाँ आप चुप रहिए माँ जी मैं आपकी बहू बनना चाहती हूँ अब आप ही बताइए कि मैं आपको पसंद हूँ कि नहीं ए माँ तुम हटो तुम यहाँ क्यों ही मौ ढलूंगा माँ तुम इस लड़की को घर मत आने देना ये तो क्या हटो ये लो हट गया ए लड़की यहाँ आओ मैं इसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ अरे 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 बस 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 क्यों रे मेरे कलयुग के राम बड़ा हो गया है साहेब क्या भाभी आप तो 2020 से भी आगे निकल गई टॉस से ही मैच जीत गई सभी जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार अरे बस 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 आप लोग हैं तो मैं हूं जनता ही सब कुछ है नहीं तो मैं क्या हूं आज ऊपर तो कल नीचे मेरा तो एक ही मकसद है जनता की सेवा करना और जनता को लूटना मेरा मतलब उसका आशीर्वाद उसका प्यार जनता से मुझे दूर करने के लिए मेरे विरोधियों ने बहुत कोशिश की है
और बहुत षड्यंत्र भी किया है मुझे जनता से दूर करने के लिए, मगर कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जनता की सेवा ही मेरा लक्ष्य है। आज सभी विद्यार्थियों को मैं एक संदेश दूंगा कि अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प रहें और हर काम लगन और अनुशासन के साथ करेंगे, तभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे और उन्हें कामयाबी भी मिलेगी। दुनिया में सिर्फ तीन चीजें हैं, जर, जोरू और जमीन। दुनिया में इसी के कारण वजूद बनता भी है और मिटता भी है। इसका जो त्याग करता है वही महान बनता है और इस जीवन में कामयाब होता है। जो नहीं त्यागता है उसका विनाश। अरे क्या हुआ? अरे भाई नेता जी को गोली मार दिया। अरे अरे भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी भागो, मारे जाओगे, भागो, भागो जल्दी, भागो, अरे गोली चल गई, भागो भागो, अरे भागो जल्दी, गोली चल गई, अरे भागो, भागो पीछे हटो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, अरे पीछे हटो, जल्दी हटो, पता नहीं बचेंगे या नहीं, चलो जल्दी चलो, भागो यहाँ से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उधर से चलो, अरे यहाँ से भागो, हम निकलते हैं यहाँ से, चलो, कुछ नहीं करेंगे, यार भागने दो मुझे, भागो। कौन कौन है? माँ। बेटा तू इस वक्त? हाँ माँ, एक खूनी मंत्री जी का खून करके कॉलेज के फंक्शन से भागा हुआ है, वो यही कहीं छुपा हुआ है, तुम दरवाजा बंद रखना। ठीक है, बंद करो दरवाजा, बंद करो। कौन कौन है? Oh,
ठीक तो है ना? मर तो हम उसी दिन गए थे गायत्री, जिस दिन तुम्हारी इज्जत पर हाथ पड़ा था, लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं था। वो मुझे बचाना चाहते थे और बचा लिए। तुम्हारा बिछड़ना और उन पापियों की तलाश मुझे यहां तक पहुंचा दिया। बुरी हाल देखकर आपके साथ तो मैं उसी दिन मर गई थी, लेकिन एक माँ को जिंदा रहना पड़ा अपनी औलाद के लिए। मैं अपने आंसुओं को तो पी गई, लेकिन एक माँ की ममता कब तक अपनी औलाद को रोता देख सकती है? मैं उन लोगों से कह चुकी हूँ कि आप इस दुनिया में नहीं रहे। ये जो अफसर आया था ना, ये आपका बड़ा बेटा अजय है, और छोटा बेटा विजय कॉलेज में पढ़ रहा है, और आपके साथ खड़ी है ये आपकी बदनसीब पत्नी। आप कहाँ चले गए थे? मत रो। यहाँ से तो कब से आंखों से नाता तोड़ चुके थे, आज आपको देखकर बहने लगे। आज इन्हें मत रोकिए, बहने दीजिए इन्हें, बहने दीजिए। ये मांग 15 साल से सुनी है, आज इसे भर दीजिए। नहीं गायत्री, मैं तुम्हारी मांग नहीं भर सकता। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? जब जब पति सामने हो तो औरत अपनी मांग कैसे सुनी रख सकती है? भर दीजिए। गायत्री, हम दोनों की जिंदगी नरक हो गई है। ये सुंदर तुम्हारी मांग में पड़ते ही हमारे बच्चों की जिंदगी नरक नरक बन जाएगी। क्या जवाब दोगी? हाँ, जब तुमसे लोग पूछेंगे कि इनका बाप कौन है, यही बोलोगी कि तुम लोगों का बाप एक कातिल है। गायत्री, समाज में तो मेरा सर झुक चुका है, लेकिन मेरे बच्चे सर उठा के जी रहे हैं, तो जीने दो। परिवार की बर्बादी और तुम्हारे अपमान का बदला गायत्री अब मेरा फर्ज है, और जब तक मैं ये बदला नहीं ले लूंगा, तुम्हारे मांग में ना तो सिंदूर पड़ेगा, ना तो बच्चों से बताओगी कि तुम्हारा बाप जिंदा है। भगवान को परीक्षा देते देते मैं थक चुकी हूँ, अब आप मेरी परीक्षा मत लीजिए। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अब। गायत्री, ये सिर्फ मेरी परीक्षा है, एक पति का फर्ज और सम्मान की परीक्षा। क्या तुम अपने सुहाग के सम्मान के लिए बच्चों को मुझसे दूर रखने का बलिदान दे सकती हो? क्या शर्म से झुके हुए इस सर को उठने तक अपनी मांग सुनी रखने का बलिदान दे सकती हो? आ,
आपके सम्मान के लिए ये बलिदान तो क्या मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं गायत्री आपकी पत्नी आपके चरण छूकर कह रही हूँ कि जब तक आपका फर्ज पूरा नहीं हो जाता मैं बच्चों को नहीं बताऊंगी कि उनके पिता जिंदा हैं और ना तो अपनी मांग भरूंगी। ये मेरा वचन है, ये मेरा वचन है। मैनेजर, वो देखो खड़ा खड़ा मुंह देख रहा है। हाँ, ठीक है। काम जल्दी करो। अरे अरे पीछे वाले जल्दी काम करो, सब काम जल्दी हो जाना चाहिए। काम में ढीलापन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जल्दी काम खत्म करो। अजय सिंह, हेलो। आप मुझे देखकर घबरा क्यों? पुलिस को देख के तो बड़े बड़े घबरा जाते हैं, हम तो एक मामूली इंसान हैं। अब वैसे भी हमारी तबीयत ठीक नहीं है। आप मंत्री जी के साथी थे ना? हाँ, बहुत पुरानी दोस्ती थी, पर अब बिछड़ गए। बेचारा की मौत पे बहुत अफसोस हो रहा है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कोई जानकारी दे सकते हैं उनके बारे में और उस हादसे के बारे में? किसी पे शक, किसी से दुश्मनी मंत्री जी की? अब क्या बताएं, अच्छे का कोई बुरा ही दुश्मन हो सकता है। अब वो रावण कौन है, राम जाने। अच्छा हम चल रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, कोई बात हो तो मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, सुनिए, सचेत रहिएगा। ठीक है, चलो जल्दी चलो। अरे पीछे नहीं, आगे बैठो। अच्छा ड्राइवर, गाड़ी ले चलो चलो। अरे संभाल के बाबा। संभला नहीं, तभी तो गिर गया। अरे ये क्या पैर में? अरे बाबा ये तो जख्म हो गया है, ये तो जख्म हो गया है। ये दर्द तो मैं सह रहा हूं। बहुत बड़ा बनो। अरे मैं मदद कर सकता हूं बाबा? मदद का सहारा कमजोर लेते हैं, कर्मठ अपना बोझ खुद उठाता है। अजय नाम उसी के सीने पर होता है
जो सीना तान के खड़ा होता है। बाबा बाबा, आपका अपना और कौन है? जो है वो अपना कर्तव्य निभा रहा है, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। गजेंद्र, गजेंद्र, गजेंद्र! अरे भुजंगी, क्या बात है, गला क्यों फाड़ रहे हो? अरे यार, यहाँ तो सब कुछ फटा ही फटा है। तू भुजंगी नहीं, तू पानी वाला सांप है, पानी वाला। अब थरथराओगे ही या बताओगे भी? मैं तो केवल थरथरा ही रहा हूँ, तुम सुनोगे तो हिलने लगोगे। चलो ठीक है, ये बताओ क्या हुआ? हुआ नहीं, हो गया। अब तो जान गई, नहीं बचेगी, नहीं बचेगी जान। एक छुप के मार रहा है तो दूसरा दिख रहा है। बाप रे बाप, वो किसान इंस्पेक्टर बन गया है। कौन किसान? अरे वही वही, जवानी की गर्मी में जिसकी बीवी के इज्जत लूटने के लिए मार के फेंक दिए थे। तुम पागल हो गए हो, सचमुच तुम पागल हो गए हो। भुजंगी, तुम पागल हो गए हो। अरे वो तो कब का मर गया? अरे वो मरा नहीं, जिंदा है, जिंदा, एकदम हट्टा कट्टा पाका जवान है। करीमन के मर्डर केस के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए आया था मेरे पास। वो तो अच्छा हुआ कि नहीं पहचाना मुझे, नहीं तो पुलिसिया डंडा ऐसा घुसेड़ता कि जवानी की गर्मी बुढ़ापा में बदल जाता। गजेंद्र, इससे पहले कि हम लोग की मौत की घंटी बजे, ये शहर छोड़कर भाग जाने में ही भलाई है। भुजंगी, तुम डरपोक हो, जरा सोचो, जब हम लोग की उम्र ढल गई तो वो कहाँ जवान होगा? तुमको नहीं पहचान पाया तो मौत की घंटी क्या पहचानेगा? बजा दिया, बजा दिया, मौत की घंटी बजा दिया। अरे भुजंगी, ये नहीं बज रहा है, वो बज रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? आज तो इंस्पेक्टर के कारण तू बच गया, कल नहीं बचेगा। कुत्ते की तरह तड़पा तड़पा के मारूंगा तुझे। बाप रे बाप। हेलो हेलो हेलो, कट गया। माँ, ए माँ, अरे धीरे से संभल के। माई, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है? हाँ माँ, तुम्हारे बेटों को हर मुश्किल से सामना करने की ताकत भगवान ने दे दिया है, तो ऐसी कौन सी बात है माँ जो तुम्हें अंदर ही अंदर बीमार बना दिया? हाँ? अरे नहीं बेटा, बुढ़ापा और बीमारी का तो संबंध होता ही है। बुढ़ापा आता है तो बीमारी अपने आप आ जाती है, तो चिंता मत कर, परेशानी की कोई बात नहीं है। भैया, मुझे तो लग रहा है कि माँ की बीमारी की वजह आप हो। मैं कैसे हूँ? अरे इतने बड़े हट्टे कट्टे नौजवान हो गए हो और माँ से बर्तन मचवाते हो, कपड़ा धुलवाते हो, शादी करके भाभी को क्यों नहीं ले आते? अब इस उम्र में माँ काम करेगी तो बीमार नहीं होगी। सच कह रहा है। और सुनिए एक बात, जल्दी से शादी कर लो और माँ को आराम करने दो। हाँ बेटा, अब मुझसे काम नहीं होता, तू आशा से शादी कर ले। मिलती हो जब तब मिलता है मेरे दिल को चैन करार, ओ गोरी। हाँ, मिलती हो जब तब मिलता है मेरे दिल को चैन करार,
तेरे बिन लगता है मुझको, तेरे बिन लगता है मुझको, जीना है बेकार। मेरी रानी तू तुझ में बसता है मेरा ये प्यार, मेरी रानी तू तुझ में बसता है मेरा ये प्यार, समझी? ओहो मेरे ऊपर बसते रही, मेरे ऊपर बसते रही, रही हमारी मेरे राजा जी, मेरे राजा जी, जान से ज्यादा करती हूँ मैं प्यार, मेरे राजा जी, जान से ज्यादा करती हूँ मैं प्यार। के रस्ते दिल में उतर के बन गई दिल की धड़कन तू, जान हो गई जान कसम से जान की जीवन बन गई तू, आंख के रस्ते दिल में उतर के बन गई दिल की धड़कन तू, जान हो गई जान कसम से जान की जीवन बन गई तू, मेरे पास में जब तुम रहती हो करती हो कड़ा प्रहार, मेरे पास में रहती जब तुम करती हो कड़ा प्रहार, अगर तुम रहती हो तो दूर, अगर तुम रहती हो तो छा जाता अंधकार, मेरी रानी तू, मेरी रानी तू तुझ में बसता है ये मेरा प्यार, मेरी रानी तू तुझ में बसता है ये मेरा प्यार। शर्म सब छोड़ के बोलू तू है मेरा सजना, ओ तुझसे मिलकर मैं तो देखूं हो जाएगा पूरा सपना, लाज शर्म सब छोड़ के बोलू तू है मेरा सजना, चाहे कोई कुछ भी कहे मैं हो गई तेरी आ, चाहे कोई कुछ भी कहे मैं हो गई तेरी आ, मांग मेरे तो भर दे साजन, मांग मेरे तो भर दे साजन, कितना उपकार मेरी राजा जी, ओ मेरे राजा जी, जान से ज्यादा करती हूँ मैं प्यार, मेरे राजा जी, जान से ज्यादा करती हूँ मैं प्यार, ओ मिलती हो जब तब मिलता है मेरे दिल को चैन करार, तेरे बिन लगता है मुझको, तेरे बिन लगता है मुझको, जीना है बेकार, मेरी रानी तू, मेरी रानी तू तुझ में बसता है ये मेरा प्यार, मेरे राजा जी, जान से ज्यादा करती हूँ मैं प्यार। अपना बसा बसाया घर तो उजड़ गया, लेकिन हमारे बेटे अजय, उसका घर बसने वाला है, कल उसका तिलक है। हर हर महादेव, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई हो। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि कल आप आकर अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद दें। गायत्री, ये क्या हो गया तुम्हें? अरे जब मैं बाप होने की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाया अपने बच्चों का, तो आशीर्वाद देने का हक मेरा नहीं है, यह हक तो तुम्हारा है। वो हमारा बेटा है, और बात हक की नहीं फर्ज की है। जब आप उसके पिता हैं और इस रिश्ते के कारण
आपको आशीर्वाद देने आना ही होगा। गायत्री, रिश्ते का वास्ता देकर मुझे कमजोर मत करो। क्या तुम भूल गई कि तुम मुझे वचन दे चुकी? वचन मैंने दिया है, मेरे बेटे ने नहीं। वचन मैं निभाऊंगी और आशीर्वाद देने का फर्ज आप निभाएंगे। मेरे बेटे अनाथ नहीं है, उनके पिता जिंदा है। मैं कल आपका इंतजार करूंगी। गायत्री, गायत्री, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाचार्य मंगलम पुण्य काज मंगलाय तनो हरि। अरे किस बात की देरी है भाई, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। आज तो लकी बहुत बढ़िया है। माँ, किसको मिठाई का ऑर्डर दे दिया कि अभी तक वो मिठाई लेकर नहीं आया? देखो एक काम करो, मिठाई छोड़ो। हाँ, पूजा की रस्म शुरू करो, देर हो रही है। नहीं बेटा, बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी देर रुक जा, वो आते ही होंगे। ये वो नीता जी है ना? अरे बाबा, आप मजदूर आदमी हो बेटा, जो काम मिल जाता है करना पड़ता है। अच्छा चलता हूं। रुक जाइए, बेटे का तिलक है, मिठाई खाकर जाइएगा। पंडित जी, आप पूजा की रस्म शुरू कीजिए। दिल का टुकड़ा, आंख का तारा, अपनी माँ का है ये दुलारा। दिल का टुकड़ा, अपनी माता है ये दुलारा। सब फलों फूलों है मेरा, सब फलों फूलों है मेरा आशीर्वाद। दुलार स्वर्ग से सुंदर है अपना ये संसार, स्वर्ग से सुंदर है अपना ये संसार। माँ आशीर्वाद। ना बेटा, पहले उनके पैर छुओ। इनका, इनका क्यों माँ? हाँ बेटा, आज से तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत हो रही है, और किसी के नए जीवन की शुरुआत में विधवा के पैर छूना अशुभ होता है। माँ, तुम तो मेरी माँ हो, तो इसीलिए तो डर लग रहा है बेटा। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, और समाज में अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगी। माँ, आओ बेटा, पहले इन बुजुर्ग के पैर छू लो।
साहेब, साहेब। अरे आशा, तुम यहाँ, क्या हुआ? साहेब, कल हमारी पूजा में जो आदमी मिठाई लेकर आया था, वो मिठाई वाला नहीं था, मंत्री जी का हत्यारा है। क्या? ये फोटो देखिए। भैया, ये तो वही आदमी है जिसे आप लोगों ने आशीर्वाद लिया था। ओ माय गॉड, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे है? कॉलेज के फंक्शन में जो फोटो था उसी में मिला। माँ, हे माँ, देखो। अरे तुम इस आदमी को पहचानती हो? अरे कल ये मिठाई लेके हमारे घर आया था, माँ इसे पहचानती हो तुम? नहीं नहीं बेटा, मैं तो मिठाई का ऑर्डर मिठाई की दुकान पर ही देकर आई थी। ये कौन है मैं नहीं जानती। क्या बात है बेटा, कोई? अरे माँ, यही वो हत्यारा है माँ, जिसने मंत्री जी का कत्ल किया है। अब ये नहीं बचेगा। हे आशा, चलो मेरे साथ। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। प्रणाम। हाँ, हे सुनो। जी सर। इस आदमी को पहचानते हो? जी सर, गरीब आदमी है, हमेशा यहाँ काम मांगने आता है। मैं इसे कुछ पैसे देता हूँ लोगों के यहाँ मिठाई पहुँचाने के लिए, लेकिन आज ये नहीं आया सर। इसका कोई एड्रेस पता है तुम्हारे पास? अब ये तो मालूम नहीं सर, कहाँ रहता है ये। अच्छा, ये मैं अपना फोन नंबर देके जा रहा हूँ जी, और जैसे ही इसे पकड़ो, जैसे ही तुम्हें कोई पता मिले मुझे इस नंबर पर फोन करना, ठीक है? जी सर। याद से फोन करना। जी सर। अच्छा, जैसे भी हो अखबार में कल इसको छपवा देना, फ्रंट पेज पर आना चाहिए, ठीक है? अरे तुम हो, क्या हुआ? ये देखिए, आपकी फोटो अखबार में छपी है। अरे वाह, मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूँ, क्यों? अब क्या होगा? होगा क्या, होई है वही जो राम रची राखा। सुनिए, आप अपना ध्यान रखिएगा। अरे ध्यान तो वो लोग रखें जिन्हें मरना है। दिल है मेरा लेकिन धड़कन तू है, दिल है मेरा लेकिन धड़कन तू है, धड़कन तू है। हमको तुमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। प्यार ने मुझको दीवाना बना दिया, मन का आंगन तू महका दिया। हाँ, प्यार ने मुझको दीवाना बना दिया, मन का आंगन तू महका दिया। अब इस जिंदगी में आई बहार है, अब इस जिंदगी में आई बहार है, आई बहार है। हमको तुमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है, तुमको हम...
तुमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। हमको तुमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। हमको तुमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। हमको तुमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। आज के मुख्य समाचार। यही वो आदमी है जिसने मंत्री करीमन जी की हत्या की है, और भी कई लोग इसके निशाने पर हैं। पुलिस इसकी तलाश में है। ये खूंखार कातिल जिसको भी दिखाई दे तुरंत पुलिस को सूचित करे। इस कातिल की खबर देने वाले को पुलिस की तरफ से 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो भी इसके बारे में सूचना देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। मैनेजर सर, जी सर। जल्दी से हवाई जहाज के एक टिकट बुक कराओ। कहाँ की सर? अरे जहाँ का मिले वहाँ का करवाओ। कौन से क्लास? कौन से क्लास का मिले उसी क्लास का करवाओ। जाओ अभी कराता हूँ, अभी कराता हूँ। क्यों बे, तू मुझे डरा रहा है? मारोगे मुझे? मुझे मारोगे? मार, मारो 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 मारो। किसान जिंदगी के लिए फसल उगाता है, और अपने यहां आने पर उसे काट भी देता है। सर सर, दरवाजा खोलिए। इंस्पेक्टर साहब आए हैं। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए सर। इंस्पेक्टर साहब आए हैं। दरवाजा खोलिए सर, दरवाजा खोलिए सर। इंस्पेक्टर साहब आए हैं। Oh my God. सर, एक और खून और कातिल लापता। कातिल को पकड़ने में पुलिस फिर नाकाम। आखिर ये सब क्या हो रहा है? झक मार रही है पुलिस, और वो खून पे खून कर रहा है, और ये लोग हीरो बन के खड़े हैं, हीरो। अरे ये लोग जनता के रक्षक नहीं, भक्षक है, भक्षक। पुलिस की वर्दी पहनकर जनता की हिफाजत नहीं कर सकते तो उतार कर फेंक दो ये वर्दी। ए! छोड़ दो ये नौकरी, उतार दो वर्दी और जाकर कहीं हज्जमगिरी करो। हीरो बने हीरो। वो किसान इंस्पेक्टर बन गया है। अरे वो तो कब का मर गया? अरे वो मरा नहीं, जिंदा है, जिंदा। एकदम हट्टा कट्टा पाका जवान है। गायत्री, दो को तो मैंने मार दिया,
अब बचा है वो खूनी तीसरा, वो भी नहीं बचेगा गायत्री, वो भी नहीं। आप ये क्या, आपको तो तेज बुखार है, मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। नहीं गायत्री, नहीं, तपने दो मुझे गायत्री, तपने दो इस शरीर को, तपने दो ये शरीर, जितना तपेगा उतना जोर उस खूनी पर बरसेगा। ये क्या हा? एक बहादुर किसान की पत्नी की आंखों में आंसू शोभा नहीं देती। बोलो माँ बोलो, वो आदमी कौन है, क्या रिश्ता है उससे? रुको माँ, जाने से पहले मुझे अपनी बात का जवाब चाहिए। अपने बेटों के मुंह पर कालिक फोड़ कर मुंह मत फेरो माँ। माँ तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो आदमी कौन है, क्या रिश्ता है उससे, बताओ माँ बताओ। चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? विजय क्या बात है, क्या हुआ? रुको भैया, सब पता चल जाएगा, पहले मुझे माँ से बात कर लेने दो। माँ इससे पहले कि मैं कुछ अपशब्द बोलूं, सच्चाई बता दो माँ। सच्चाई? कैसी सच्चाई, क्या हुआ? कैसी सच्चाई? जिसमें इनका गंदा चरित्र छिपा है। पागल हो गया है क्या, अपनी माँ के लिए ऐसा गंदा शब्द बोलता है कोई? हाँ मुझे तमाचा मार के आपने इनका बेटा होने का फर्ज तो पूरा कर दिया, पर जब इस घर के बाहर पूरे समाज का तमाचा तुम्हारे गाल पर पड़ेगा, तब तुम्हें भी इनको माँ कहने से शर्म आएगी। जान से मार दूंगा बेवकूफ, अपनी माँ के बारे में कोई ऐसा बोलता है बदतमीज। अगर ये गलत नहीं है तो चुप क्यों है, क्यों है ये चुप? अरे जिसको पकड़ने के लिए आप दिन रात एक कर रहे हो, बताते क्यों नहीं कि उस कुनी के साथ इनका क्या संबंध है? माँ आज मैंने अपनी आंखों से देखा उस खूनी के साथ ये छी। अगर तुमको ऐसा बदनाम रिश्ता जोड़ना ही था तो बचपन में क्यों ना हम दोनों को जहर देकर मार देती? बताओ माँ क्यों नहीं हम दोनों को मार दिया? तुम्हारी खामोशी में जान रहा हूं माँ, पर मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, कसम है मुझे अपने बाप की, जब तक मैं उस आदमी को मार नहीं दूंगा मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। विजय है, विजय, विजय। माँ ये क्या बोल रहा था माँ? हे माँ, माँ खान साहब, मैं आपके दरबार में फिर से आ गया हूं। दरबार तो उनका है, क्या हुआ हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल अब शायद नहीं बनेगा खान साहब। क्यों? क्योंकि कोई शैतान हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, मेरे दोनों साथियों को मारकर इस लड़के को यतीम और मुझे बेसहारा कर दिया है खान साहब। वो वजीरा? हाँ वजीरा नहीं खान साहब, कोई और है, हम लोगों को फोन करके धमकी देता है कि हॉस्पिटल का काम बंद कर नहीं तो जान से मार दूंगा। अब समझ में नहीं आता खान साहब
कि समाज सेवा करूं या अपनी जान बचाऊं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, इसकी कसम। ये कसम तो तुमने पहले दिखाया था, क्या है ये? खान साहब, वो जमीन के लिए थी, ये जान के लिए है। ये मेरा होने वाला दामाद है, और बेटी के सुहाग की बाप झूठी कसम खाए तो उसको भगवान कभी माफ नहीं करता। ना ना, ठीक है ठीक है। खान साहब, ये है उसकी फोटो, देखिए। अरे हाँ, ये किसने? किसकी फोटो है ये? ये किसकी फोटो है? अरे अरे अरे, ये देख, पता नहीं वही है ना जिसकी फोटो। स्कूल में क्या हो रहा है यार? ये सब पोस्टर किसने लगाया है? विजय विजय, ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये सब? इसके गजब की चीज है यार, इसके गजब की चीज है यार, देख लो आज सुबह का पर्चा। इसके गजब की चीज है यार, देख लो आज सुबह। यो, मेरी माँ को बोलेगा। मेरी माँ को बोलेगा। मेरी माँ को बोलेगा। विजय, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विजय रुक जाओ। मेरी माँ को बोला। उठ। विजय, विजय रुक जाओ। क्या बोल? फिर से बोल। मेरी माँ को बोलेगा। क्या हो रहा है ये सब? नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ को बोल रहा है, मेरी माँ को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। विजय, मेरी माँ को बोलता है, विजय विजय छोड़ो भैया, नहीं छोड़ूंगा इसे। भैया हमारी माँ को बोले। पागल हो गया क्या? भैया उठ, क्या रे? छोड़ो भैया। क्या रे, पगला गया क्या? माँ को बोल रहे। चुप भैया, गुंडागर्दी है कॉलेज में, गुंडागर्दी भैया। गुंडागर्दी करता है तू कॉलेज में? गुंडागर्दी करने जाता है भैया। चल, वो अपनी माँ के लिए बोल रहे। पढ़ने के लिए आते हो कि गुंडागर्दी करने के लिए? भैया मेरी बात तो सुनो भैया। चलो बंद करो, ले चलो इसको, बंद करो। मार दूंगा उसको, माँ को बोल रहा है। भैया भैया छोड़ो मुझे। चल, अजय। माँ, अजय, अजय छोड़ दे उसे, छोड़ दे। अरे मैं माँ हूँ, मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? हाँ माँ, मैं उसका भाई हूँ, लेकिन जो भी कानून के खिलाफ जाएगा मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अरे बेटा, उसकी हालत तो देख। हे भगवान, ये क्या हो गया?
विजय, जितना गुस्सा करना है कर ले बेटा, लेकिन ये कुदरत का इम्तिहान है। अपने सुख को कुदरत का इम्तिहान बताकर तुम खुश हो सकती हो, लेकिन जिसको समाज का इम्तिहान देना पड़ता है उसकी दशा तुमको समझ में नहीं आएगी। चली जाओ, चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से, चली जाओ। विजय, 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 रुकिए माँ जी, आइए आइए मेरे साथ। ये है विजय के जमानत का ऑर्डर, आप विजय को छोड़ दीजिए। आशा, तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या, मैं भी इस घर की सदस्य हूँ साहिब, कोर्ट की जमानत का ऑर्डर आपके हाथ में है, छोड़ दीजिए विजय को। माँ जी। तिवारी जी। जी सर। विजय को छोड़ दीजिए। माँ जी। माँ जी, अब आप विजय को घर ले जा सकती हैं। चल बेटा घर चल। माँ की ममता बचे ही कहाँ है कि बेटा इनके साथ रहेगा, और तुम भी इस बदनाम घर से हमदर्दी छोड़ दो और अपना रिश्ता कहीं और जोड़ लो। विजय, ये क्या? विजय, 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 मेरी बात सुन। बेटा मेरी बात तो सुन बेटा, रुक जा विजय, विजय रुक जा बेटा, विजय। विजय, मैं तुम्हारी जमानत के लिए बाबूजी को साथ लेकर आई हूँ। मेरी जमानत हो गई है तो फिर चलो मेरे साथ घर चलो। चलो आओ ना, चलो आओ। नहीं नहीं बेटा, चलिए बाबूजी। ज्योति, अब मैं जा रहा हूँ। विजय, रुक जाओ विजय। भाग गया साला। विजय, विजय, तुम अभी भी गुस्से में हो क्या? गुस्सा छोड़ो और मेरे साथ चलो। नहीं ज्योति, तुम और चाचा जी थाने से मुझे लेने आए, मैं तुम लोगों के साथ यहाँ तक चला आया, लेकिन अब यहाँ से मेरा रास्ता अलग है। लेकिन विजय, विजय, मेरे जीवन की डोर तो तुम्हारे साथ बंधी है। जिसके सिर पर मौत का कफन बंधा हो उस पर सहरा शोभा नहीं देता।
अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, उस खूनी की मौत। वाह बेटा वाह, ये हुई शेर दिल वाली बात। हाँ? जिसका हौसला बुलंद होता है जीत उसी की होती है। लेकिन बेटा, खाली हाथ से मकसद पूरा नहीं होता है। ये लो, तुम्हारे मकसद में मैं और मेरी बेटी का प्यार तुम्हारे साथ है। जाओ, दुश्मन के खून से अपना हाथ लाल करो। मैं ज्योति का हाथ पीला करके तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा, ये मेरा वादा है। जाओ बेटा, विजयी, विजयी भाव। बाबूजी, बाबूजी आपने ये क्या किया? बेटी, ये गुस्से में था और इसको शांत करने का एक ही रास्ता था। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जाओ, तुम आराम करो। थैंक्स बाबूजी। ये क्या चाचा, ये क्या? आपने ज्योति का रिश्ता मेरे साथ तय किया है और ये हाथ, और ये हाथ उसको सौंपने का वादा कर दिया? बेवकूफ, अब देखो अपने ससुर का कमाल, एक ही तीर से कई शिकार। हैं? मतलब पूरे खानदान का सत्यानाश। समझे? अरे वाह चाचा, जाओ सिकाई कराओ। कौन हो तुम? मेरे काम में दखल मत दो, अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब दखल दे चुका हूं तो अंजाम तक भी पहुंचा दूंगा। यहां वहां क्या गोली मार रहे हो? मारना है तो यहां मारो, सीने पर। इस सीने में इतने बदले की आग है कि तुम्हारी गोली पिघल जाएगी। मां की कसम खा के कहता हूं, नहीं छोड़ूंगा उस दुष्ट पापी को। उन तीनों में से एक ये भी था जो मेरी पत्नी की इज्जत पर हाथ डाले थे, मेरे आबाद घर को बर्बाद कर दिया। क्या? हाँ, सब बर्बाद हो गया। पति के जीते जी उसकी पत्नी एक विधवा की जिंदगी जी रही है, बाप के जीते बेटे अनाथ हो गए सब। और एक बाप के लिए इससे बड़ा अभिशाप क्या है कि खुद उसका खून उसके जान का दुश्मन बन गया। इस लड़ाई में चाहे मेरा बेटा दुश्मन बने या तुम, ये सच्चाई की लड़ाई है और मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। सच्चाई उसकी आंखों में नजर आती है जो आंख मिलाकर बात करता है। अब इस लड़ाई में खान तुम्हारे साथ है, आदाब। आदाब। माँ आ गया बेटा। हाँ माँ, बैठ। ये सब क्या है माँ? बेटा, आज मेरा व्रत है। व्रत? आज कौन सा व्रत है? करवा चौथ का। करवा? करवा चौथ? और तुम?
मैं जानती हूं बेटा कि इस वक्त तेरे मन में क्या सवाल उठ रहा है, लेकिन अजय, तेरे बाबूजी ने तुम लोगों को छोड़ दिया, मुझे नहीं। हम दोनों पति पत्नी का साथ 7 जन्मों का है, अगर ये पहला है तो 6 और बाकी हैं। वो तो मेरे लिए हमेशा जिंदा है, क्योंकि वही मेरे भगवान है। इसलिए बेटा, अजय, चलो उतरो उतरो, आओ जल्दी आओ, कातिल यहां आने वाला है। तुम दीवार के उस तरफ जाओ, तुम उधर जाओ, जल्दी जाओ, तुम पीछे जाओ, आओ जल्दी आओ। चारों तरफ क्या? देख लिया, कहीं नहीं दिखा। अरे वो गया कहां? अरे वो चलो विजय, विजय चल बेटा, अजय खाना खा ले, चल। क्या बात है बेटा, इतना उदास क्यों है, और ये क्या लिख रहा है तू? इस्तीफा। इस्तीफा? मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। लेकिन क्यों अजय? माँ, वक्त ने मुझे ऐसे दूर रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक बेटा होने के नाते मैं तुमसे ऐसा
ऐसा कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता कि जो एक बेटे की मर्यादा से बाहर हो, और वहां मैं अपने कर्तव्य के साथ गद्दारी भी नहीं कर सकता। मां, वक्त वक्त मुझको हरा दिया। मां, मैं वक्त से हार गया। मां, अजय, मैं हार गया। मां, मैं हार गया, तुम्हारा बेटा हार गया। अजय, नहीं बेटा, अजय, मैंने तुझे अपनी छाती से दूध पिलाया है। मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं हो सकता कि वो वक्त से हार जाए। नहीं बेटा, मेरा बेटा कमजोर नहीं हो सकता। हाँ अजय, ठीक है माँ, वहां से मेरी रिवॉल्वर मुझे लाके दो, और उसके साथ ये आशीर्वाद दो अपने बेटे को कि उस खूनी की हत्या, उसकी मौत, तुम्हारा ये बेटा मेरे हाथों होगी। मेरे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दो मां, आशीर्वाद दो मां। बस इतनी छोटी सी चीज मेरे बेटे की हार का कारण है? हाँ मां, ये ले बेटा। विजयी भावा, मेरा आशीर्वाद मेरे बेटे के साथ है। विजयी भावा, जय विजयी भावा। बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आज करवा चौथ के दिन हर सुहागिन व्रत रख कर अपने सुहाग के लंबी उम्र की दुआ मांगती है, लेकिन मेरे लिए वो दुआ बद्दुआ में बदल गई। मैंने अपने हाथ से हथियार देकर अपने सुहाग की मौत का आशीर्वाद अपने बेटे को दिया है, अपने बेटे को दिया। अजय के बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज भी उस दिन को कोसती हूँ। अगर उन तीनों पापियों ने हैवान बनकर मेरी इज्जत पे हाथ नहीं डाला होता तो मेरा घर बर्बाद ना होता। मैं बहुत बदनसीब हूँ, बहुत बदनसीब हूँ। मेरे कर्तव्य की लड़ाई में सुहाग की मौत हो या औलाद की मौत पर आंसू तो मुझे ही बहाना होगा ना, सिर्फ मुझे। इस लड़ाई में बाप मरे या बेटा, जीत तो सिर्फ
तुम्हारी होगी गायत्री। अजय बेटा, बाप बन के तुमने अपनी माँ का वचन तो तोड़ दिया, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते। तुम अपनी सारी पुलिस फोर्स लगा दो, लेकिन उस गजेंद्र को मेरे हाथ से नहीं बचा सकते। बाबूजी, हम लोगों के साथ अत्याचार करने वाले अत्याचारी को मैं कानून की सजा दिलवाऊंगा। आप कानून हाथ में मत लीजिए, वो तो मैं ले चुका हूं। बेटा, तुम अपना फर्ज निभाओ, मैं अपना बदला निभाऊंगा। बाबूजी, यू आर अंडर अरेस्ट। है बेटा, अजय, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, लेकिन मैं अपने पति के साथ हूं। चला गोली, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। मां, हट जाओ तुम। चला, मां सामने से हट जाओ तुम। नहीं अजय, मैं मां बाद में हूं, पहले एक पत्नी हूं। चला गोली, आप यहां से भाग जाइए और अपना बदला पूरा कीजिए। चले जाइए आप, आज जो होगा देखा जाएगा। चले जाइए आप यहां से, चले जाइए। बाबूजी रुक जाइए, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। बाबूजी, बाबूजी, मां तुम भी ना। घबरा मत, आप डरिए मत चाचा जी, मैं हूं ना। हाँ सर, सर मुझे अपने प्लान के मुताबिक काम करने दीजिए। नहीं अजय, इसमें बहुत रिस्क है, हम ऐसा नहीं करने देंगे। सर एक बार मेरी बात। नहीं अजय प्लीज। एसपी साहब, इनके प्लान के मुताबिक आप चलेंगे तो मेरे हिसाब की किताब एकदम बराबर हो जाएगी। ये सब एक ही लोग हैं, मुझे मरवा देंगे, मुझे मरवा देंगे, मुझे बचा लीजिए एसपी साहब। यही सही रास्ता है सर, इसको समझाइए, बुद्धि का इस्तेमाल करो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, गलती हो गई, माफ कर दो साहब, ये प्लान बहुत सही है, बहुत सही है। हाँ, ये मरेगा तो मरे, हम लोग तो बच जाएंगे। हाँ साहब, साहब हम लोग को यहाँ से लेकर चलिए, चलिए चलिए चलिए। सर प्लीज मुझे ऑर्डर दीजिए। सर ठीक है अजय, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सर। तुझे जो बताया था याद है ना? चलिए आइए 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 साहब। सर, हेलो, कौन? तुम्हारा बाप हूं, तुमने क्या समझा? मुझे चकमा दे दोगे? अरे चकमा तो मैं दूंगा तुम्हें और तुम्हारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को। जिस गाड़ी में गजेंद्र बैठा है ना, उस गाड़ी के ऊपर हूं मैं। अब बचा सकते हो तो बचा लो उसे। Oh shit! Hmm.
आई कहां गया? गजेंद्र, तुम्हें उसी खेत में ले जाकर मारूंगा और तुम्हारी खाद बनाऊंगा। मुझे मारेगा तो वो मर जाएगी जिसके लिए तू ये सब कर रहा है, तुम्हारी बीबी। क्यों रे, मौत के डर से झूठ बोल रहा है तू? क्या विश्वास नहीं हो रहा है? अभी विश्वास हो जाएगा। हेलो जगन। बोलिए चाचा जी। जरा बुड्ढी को फोन दे। ठीक है चाचा जी। ले बुढ़िया, बात कर। गायत्री, आप मेरी चिंता मत कीजिए, लेकिन उस कमीने को बिल्कुल मत छोड़िएगा, मार डालिए उसे। ए सुन, अगर चाचा जी को कुछ हुआ ना तो इस बुढ़िया की खोपड़ी खोल दूंगा, खोपड़ी, समझ गया? कोई गलती मत करना। हो गया विश्वास? हाँ, अब मैं जहां कह रहा हूं वहां चलो, चलो नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। चलो। कैसा लगा ये इंतजाम? पसंद आया? अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें मौत का तांडव, समझे? बाबूजी। यार, पीछे हटो, मारो 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 मारो, लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है। अब मारो, अब तुम्हारी माँ का क्या होगा? कोई नहीं जानता क्या होगा उसका। क्यों रे छुट्टन भाई जी, मारना मुझे। मारो ना इंस्पेक्टर, मुझे मारना, यहां मार, यहां यहां। क्यों धृष्टार अजय सिंह? नहीं मारूंगा भाई, नहीं मारूंगा भाई, पकड़, मारना, हाथ से मार, मारना, मार, मारता क्यों नहीं, मार। ए चिल्लाओ मत, तुमसे तो लेबल में आकर बात करना होगा। इस बुड्ढे के चक्कर में मैं पागल हो गया, मेरी नींद उड़ गई। ए, मुझे मारो, मेरे भाई को छोड़ दो। चिट्टन भैया, चिट्टन भैया को तो मैं मारूंगा, पहले तुम्हें मारूंगा। मेरे दोस्त हैं ये सभी। बुड्ढे, आज पूरे खानदान को एक साथ स्वाहा स्वाहा। पर मेन मेंबर तो रही गई, बताओ बताओ कौन? तुम्हारी अम्मा, इसकी औरत बुढ़िया, उसका तो इंतजार करना ही पड़ेगा। वो देख आ गई, वो देख तेरी बुढ़िया आ गई। अब मचेगा तांडव।
तांडव मचेगा। ए, अग्नि कुंड की तैयारी करो, करो जल्दी करो। जगन चाचा, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। जाओ लड़ो। तांडव मचेगा क्या रे? तेरी तो छुटकन भाई जी, मार खा अब तू। मान का तांडव तुम देखोगे। नहीं नहीं खान साहब, माफ कर दीजिए मुझे। औरत पर हाथ उठाएगा?
सच। मुझे माफ कर दीजिए, मैं साधु बन जाऊंगा, अपनी कसम खा रहा हूं। तू जिसकी कसम खाता है वो तो दुनिया से उठ गया, अब तुम्हारी बारी है। नहीं नहीं खान बाबा, बाबूजी 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 बाबूजी, कानून को हाथ में मत लीजिए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो बाबूजी। तलवार फेंक दीजिए, मुझे मुझे माफ कर दो बाबूजी। कानून हाथ में मत लीजिए बाबूजी। बाबूजी मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत कीजिए बाबूजी। नहीं नहीं बाबूजी, बाबूजी माँ, मुझे माफ कर दो माँ। नहीं बेटा नहीं, आओ आओ इधर आओ। प्रणाम बाबूजी। अखंड सौभाग्य बाबा, आओ बेटी इधर आओ। प्रणाम बाबूजी। सौभाग्यवती। प्रणाम माँ जी, खुश रहो। हतो इसे मंतसा, हतो इसे मंतसा। देने वाला भी वही और लेने वाला भी वही। आदाब,
परिवार के लिए न भूलूंगा तुम्हारा ये बलिदान, इस परिवार के लिए न भूलूंगा तुम्हारा ये बलिदान, सूरज चंदा देके कर दी हो मुझ पर उपकार, स्वर्ग से सुंदर है अपना ये संसार, स्वर्ग से सुंदर है अपना ये संसार। सुंदर है अपना ये संसार।